हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये आज मैं बताऊंगी कि पाइपिंग बैग से किस तरह से आपको आइसिंग करना है। तो मैं यहाँ पे हाथ के अंदर में पाइपिंग बैग को डाल के इस तरह से मैंने क्रीम डाला है। आप देख सकते हैं किस तरह से करते हैं। जो बिगनर्स वाले हैं, आपको इसी तरह से आइसिंग करना है। और यहाँ पे मैंने बीच में कैसे क्रम कोटिंग और कैसे वो करना है, मैंने वो दिखाया नहीं है। और देखिए इस तरह से हमें करना है। अब टर्न टेबल को घुमाना है, हाथ को नहीं घुमाना है। और इस तरह से ऊपर तक लेके जाना है। अब ऊपर का ऐसे भी डाल सकते हैं आप, इसमें पाइपिंग बैग में अगर आप डालना चाहते हैं तो पाइपिंग बैग में भी डाल सकते हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और इस तरह से इसको करके फिर इसको अच्छे से मिला दिया। और पहले इसको जो हमने पाइपिंग बैग से किया था इसको घुमाना है अच्छे से पलट नाइफ से। और इस तरह से ऊपर का क्लीन करना है और यहाँ पे घुमाना है स्क्रैपर। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है, आप जो ताश का पत्ता है, जो मोटा वाला प्लास्टिक जो होता है उससे भी आप कर सकते हैं। और फिर जो ऊपर का है जैसे, इसको भी हम अच्छे से साफ कर देंगे। और इस तरह से फिर से स्क्रैपर घुमा दीजिए, अच्छे से आइसिंग अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और ऊपर का भी इस तरह से और एक बार साफ कर दीजिएगा। और ये है, मैंने दूसरा वाला ले लिया, इसको भी पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से रख दिया। और मैंने चॉकलेट कद्दूकस करके यहाँ पे डाल दिया है। ये दाते से मेरा मोबाइल पे कॉल आ गया तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये मैं पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं, मैंने मेरा कैमरा थोड़ा थेरा हो गया। तो ये डिज़ाइन भी जब मैं बनाई थी मैं आपको दिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। और इस तरह से हम मैंने बनाया है और बीच में भी मैंने, और ये देखिए मैंने बीच में भी डाल दिया चॉकलेट। और मैं ये चेरी लिया है और ये मैं ऊपर में मैंने चेरी लगा दिया इस तरह से। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में जिसको केक बनाना अच्छा लगता हो। तो मिलते हैं फिर नए केक डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय।